जहां आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष के अंदर हर वर्ष शारदीय नवरात्र का मनाए जाते हैं, तो वहीं सोमवार से शारदीय नवरात्र प्रारंभ है। इसी के चलते सभी मंदिरों के अंदर साज सज्जा शुरू हो चुकी है। तो वहीं मुरादाबाद के प्राचीन काली माता मंदिर में भी साज सज्जा का काम जोरों शोरों पर चल रहा है। तो वहीं आपको बता दें, जहां पुजारी जी से बात करने पर पता चला कि इस बार मंदिर के अंदर की जो साज सज्जा है वो बहुत अच्छे से की जा रही है। साथ ही साथ मंदिर के अंदर लगने वाले पुष्प मुरादाबाद ही नहीं बल्कि इस बार बाहर से इन फूलों को मंगाया गया है, जहां माँ काली के मंदिर में साज सज्जा में इन फूलों का प्रयोग किया जा रहा है। देखिए क्या कहा पुजारी जी ने। गुरु जी, नवरात्रि शुरू होने वाली है, उसको लेकर के क्या तैयारियां की जा रही हैं? तैयारी सब जो तैयारी होती है भक्त के लिए, सब तैयारी हो रही है माता जी की। जैसे कि हर बार माँ काली मंदिर के अंदर तरह तरह के जो है कार्यक्रम किए जाते हैं, साथ ही हर बार कुछ ना कुछ अद्भुत कुछ अलग माता रानी के नवरात्रों में किया जाता है, इस बार क्या किया जा रहा है? कि अलग किया जा रहा है कि सजावट हो रही है जी, यही अपनी 9 दिन बराबर सजावट होगी रोज की रोज। अभी देखा गया कि बहुत सारे पुष्प ऐसे मंदिर के अंदर सजावट के लिए आए हैं, ये कहाँ से मंगवाए गए हैं क्या? ये सब बाहर से आ रहे हैं, यहाँ से नहीं तो बाहर से। अच्छा, क्या संदेश देना चाहते हैं मुरादाबाद के श्रद्धालु? संदेश यही भक्तों से है, यहाँ माता जी का आशीर्वाद लें और बढ़िया प्रेम पूर्वक प्रेम सद्भाव बनाए रखें, यही हमारी प्रार्थना है भक्तों से।